तो जैसा कि फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने भैया हैं, इनकी हाइट लगभग 4 फीट 8 इंच से लेकर 5 फीट के लगभग में है इनकी हाइट। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपको कैसा देखने को मिलता है। तो भैया आप बैठ जाइए थोड़ा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने खड़ा है होंडा SP125 का BS6 मॉडल। तो आज मैं आपको इसका दिखाऊंगा, डिफरेंट साइजेस के राइडर बैठा करके दिखाऊंगा कि सीट हाइट आपको क्या देखने को मिलता है। आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था इस बाइक के सीट हाइट को लेकर, तो फाइनली आज की इस वीडियो में सीट हाइट को लेकर आपका जितना भी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी हाइट से रिलेटेड अगर कुछ भी जानना है तो वीडियो को पूरा देखें, एक जरा भी स्किप ना करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स आपकी मिस ना हो जाए। और स्पेशल थैंक्स हम बोलना चाहेंगे सौरिया होंडा का, जिन्होंने ये बाइक आज हमें प्रोवाइड किया है रिव्यू पर्पज़ से। और अगर फ्रेंड्स आपको कुछ भी पूछना रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्योंकि फ्रेंड्स कमेंट्स में सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, तो चलिए अब हम डिफरेंट साइजेस के राइडर को बिठा करके आपको दिखाते हैं कि उसका हाइट कैसा आपको देखने को मिलता है। राइड भी करेंगे वो, तो आपकी जितनी भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने भैया हैं, इनकी हाइट लगभग 4 फीट 8 इंच से लेकर 5 फीट के लगभग में है इनकी हाइट। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपको कैसा देखने को मिलता है। तो भैया आप बैठ जाइए थोड़ा सीधा कर, सीधा नहीं होगा, पीछे से कर दीजिए ज़रा, सीधा पीछे से सीधा करिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सीधा कर दीजिए, बस बस स्टैंड वो गिरने नहीं देना। हाँ बस बैठी, जैसा कि अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं रहने दो स्टैंड। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं भैया का जो पैर है वो यहाँ पर, आप दोनों पैर नीचे करिए दोनों। हाँ तो काफ़ी इनको फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि दिक्कत हो रहा है, पैर इनका हट नहीं रहा है। अभी हमने पीछे से एक जन को वहाँ पे खड़ा करके रखा है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा इन्हें प्रॉब्लम हो रहा है पैर रखने में। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि अगर आपकी हाइट इसके अप्रॉक्स में है तो आपको कैसा हाइट देखने को मिलता है। तो अब हम फ्रेंड्स थोड़े इसे ज़्यादा हाइट वाले पर्सन को बैठा कर दिखाते हैं आपको कि कैसा हाइट देखने को मिलता है। थैंक यू भैया बैठने के लिए। अब उतर जाइए, नहीं नहीं तुम बैठ जाओ, बैठो। हाँ पहले खड़ा रहो, हाइट बता अपना। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका जो हाइट है वो लगभग 5 फीट 3 इंच के अप्रॉक्स में है। तो आप इसका हाइट को देख सकते हैं, अब ये आपको बैठ करके दिखाएगा कि इसका पैर कितना हटता है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये बाइक पे बैठा हुआ है, अब इसका पैर आप देख सकते हैं दोनों साइड से यहाँ पे टिपटो हो रहा है। तो थोड़ा चला के दिखाओ कि चलाने में कैसा लगता है। आराम से बस रुक जा। अब बता चलाने में कैसा लगा, कुछ प्रॉब्लम हुआ? पकड़ो इसको। बहुत अच्छा लगा। पैर रखने में दिक्कत नहीं ना हुआ? कोई दिक्कत नहीं। टर्निंग वर्निंग में कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा लगा। चलो ठीक है, तुम उतर जाओ। आप बैठने वाले हैं फ्रेंड्स, दूसरे भैया जो बैठने वाले हैं वो आपको हाइट बैठा करके दिखाएंगे। बैठ जाओ, अच्छा, बैठिए। अब कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो हाइट है वो लगभग 5 फीट 8 इंच के अप्रोक्स में है। तो आप देख सकते हैं भैया का हाथ थोड़ा डैमेज है, इसीलिए वो आपको चला के तो नहीं दिखा पाएंगे, बट आपको मैं हाइट का एक आइडिया लगा दे रहा हूँ। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका पैर जो है वो दोनों साइड काफ़ी अच्छे से यहाँ पे अट जा रहा है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है उन्हें पैर रखने में। तो आप इजीली फ्रेंड्स अगर आपकी हाइट 5 फीट 8 इंच के अप्रॉक्स में है तो आप राइड कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो अब फ्रेंड्स मैं एक बार आपको राइड करके दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम मुझे फेस होता है इस बाइक को राइड करने में। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 6 इंच के अप्रॉक्स में है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो पैर है वो दोनों साइड काफ़ी इजीली अट जा रहा है। तो मुझे भी फ्रेंड्स राइडिंग में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने इसका राइड रिव्यू भी कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा उसका भी वीडियो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी आपने देख लिया होगा मैंने सारे जितने भी साइजेस जो होते हैं सारे राइडर्स को बिठा कर आपको दिखा दिया कि इसका राइडिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम देखने को मिलता है या नहीं। तो होप करता हूँ साइज़ को लेकर आपको जितना भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो गया हो, राइडिंग करके भी दिखा दिया। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स रह गया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो होप करता हूँ SP125 का अगर आपको और भी डिटेल्ड वाला वीडियोस देखना है तो मैं उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो ये रहा फ्रेंड्स इस बाइक के बारे में, हाइट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस था उसके बारे में सब डिटेल्स। अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो हमारे चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी आपकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स वगैरह मिस ना हो जाए। तो आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।